सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ओके, मैग्निफिकेशन देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें कोई भी मिरर है, ठीक है, इफ देयर इज एनी मिरर, ओके, इफ द लाइट रेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन द मिरर, भाई कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज क्या होगी? इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब ये लाइट रेज क्या होगी? रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाद में क्या होगा? इसकी इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं आगे जाके इसकी इमेज बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। तो अगर मैं बात करूं इमेज, अगर अपने पास इमेज इस ऑब्जेक्ट की क्या है, डबल है, ट्रिपल है, फोर टाइम है, हो सकता है 1.5 टाइम हो, ओके। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है? कि अपने पास ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी मैग्निफाई हुई, हाउ मच द इमेज इज मैग्निफाइड फ्रॉम द विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी मैग्निफाई, कितनी बड़ी हुई या फिर कितनी छोटी हुई। बात समझ आ रही? पहले मतलब समझो है क्या मैग्निफिकेशन, ओके। मैग्निफिकेशन शोज दैट हाउ मच द इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही? कि अपने पास जो ऑब्जेक्ट इमेज है उस ऑब्जेक्ट से कितनी लार्ज है या फिर कितनी स्मॉल है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट of the image to the height, of object is called magnification. This is called magnification. ठीक है, अगर अपन इसको बात करें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम, ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, सो वी कैन राइट दिस, दिस इज द एच डैश अपॉन एच। बोलो कर सकते हैं? दिस इज द मैग्निफिकेशन, एच डैश अपॉन एच, ओके। अब इसका अपन एक रिलेशन निकालने वाले हैं बाय द डेरिवेशन, द रिलेशन ऑफ दीज हाइट विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मींस इनका रिलेशन यू और वी से क्या है। समझ आ रही? इसके बीच में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसका अपन रिलेशन देखेंगे कि अपने पास ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वो सारी चीजें अपन इसको देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेरिवेशन, ओके, प्रूफ। सो लेट्स सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। एक चीज आप यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके जस्ट नीचे आप एक चीज और नोट कर लें, ठीक है, फॉर्मूले के जस्ट नीचे आपको एक चीज और नोट करनी है, दिस इज एम इज नेगेटिव फोर कॉनकेव मिरर, फोर कॉनकेव मिरर, ओके, एंड एम इज पॉजिटिव फोर कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसा क्यों होता है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। पहले एक बार अपन डेरिवेशन देख लेंगे, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे कि वाकई में ऐसा हुआ क्यों, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, प्रूफ देखते हैं अपन। सबसे पहले प्रूफ, ओके, सपोज दिस इज द कॉन केवलेंस,
okay, this is the concave mirror, sorry, mirror, okay, and this is focus and this is the center of curvature, okay, and this is the object, this is the object, this is called A, B, बोलो कर सकते हैं तुम इसके लिए. This is the parallel line, okay, and it will pass through the focus. कहाँ से पास होगा बोलो, focus. Now this is very important. The next line will be passed by the pole. भाई किससे पास करोगे? पोल से. पहले अपने क्या किया था? फोकस से पास किया था. किसके लिए? मिरर फॉर्मूले के लिए. ओके, नाउ वी विल पास दिस, सॉरी, फ्रॉम द पोल. पोल से अपन इसको पास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल पास इट फ्रॉम द पोल. ओके, देन इट विल फॉर्म द इक्वल एंगल, इट विल फॉर्म द इक्वल एंगल फ्रॉम द मिरर. ओके, एंड दिस इज इमेज. अपन को पता है अभी ऑब्जेक्ट अगर अपने पास बियॉन्ड सी हो गए, बिफोर सी हो गए, देन द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन द सी एंड एफ. ये चीज अपन को पता है, तो इसके बीच में बन गई मीडियम के अंदर. ओके, नाउ वी कैन से दिस इज द एच एंड दिस इज द एच डैश. ओके स्टूडेंट, दिस इज द एच एंड दिस इज एच, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द पॉइंट Q, ओके, दिस इज द पॉइंट Q. बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो अब अपन क्या करने वाले हैं, वापिस अपन वही सिमिलर प्रूव करने वाले हैं. ट्रायंगल कौन से लेंगे ये चीज समझ में. दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल ए पी बी. ओके, ट्रायंगल ए पी बी. ओके, एंड ट्रायंगल ए पी बी एंड सेकेंड ट्रायंगल विल बी, इसको आप पॉइंट ले लो, दिस इज द आर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द पॉइंट आर. चलो इसको अपन ए डैश बी डैश ले लेते हैं. ओके, दिस इज द ए डैश एंड दिस इज बी डैश. एनी डाउट? ठीक है, अब इसमें अपन ट्रायंगल जो सेकंड एंगल कौन सा लेंगे बताओ, ये वाला ट्रायंगल. ओके, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी. दूसरी बात, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज द इमेज, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. ओके, इफ देर आर टू एंगल्स इक्वल ऑफ द टू ट्रायंगल देन दिस इज द सिमिलर. तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सिमिलर. ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं. सो ओके, द ट्रायंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी, बी ए पी इज इक्वल्स टू बी ए पी. भाई ये 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री कौन है, ये वाला एंगल. इसको अपन क्या बोलेंगे, बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी. एंड आउट, नाउ वी कैन सी द सेकंड एंगल विल बी दिस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश. ओके, अगर टू एंगल्स इक्वल है देन वी कैन से दैट एंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अब देखो ध्यान से, ए के सिमिलर कौन है, दिस इज द एंगल ए एंड दिस इज द एंगल ए डैश. तो अपन क्या लिखेंगे, पहले ए डैश. अब देखो पी के इक्वल कौन है, पी के इक्वल है पी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पी. अब बी के इक्वल देखो कौन है, यहाँ से बी एंगल, दिस इज द बी एंगल. ओके, एंड दिस बी एंगल इज इक्वल टू दिस बी डैश एंगल. ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? दिस इज द सिमिलर. नाउ वी कैन से द करस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल. अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन से लेंगे अपन, वो भी देखो ध्यान से.
ठीक है, अपन वही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, समझ आ रही है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, इस साइड का अपन को कोई लेना देना नहीं है, ओके okay? इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो अपन कह सकते हैं इसके सामने वाली जो साइड है दिस इज द ए बी, ए बी, ओके, ए बी की इक्वल कौन होगी बताओ, देखो यहां से ए बी के साथ रिलेशन आ रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, भाई इसके सामने वाले ले चुके अपन, इसके सामने ले लिया, ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बी डैश एंड बी के सामने, देखो बी के सामने वाली साइड दिस इज द ए पी, दिस इज ए पी, ओके, एंड बी डैश के फ्रंट साइड कौन सी बताओ, ए डैश पी, ए डैश पी, एंड आउट, बताओ ए बी की वैल्यू क्या है, एच, दिस इज द हाइट, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब एक बात बताओ हाइट को अपन कैसे लेते हैं, वर्टिकली, ठीक है, अब बताओ ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, दिस इज अबव द हॉरिजॉन्टल मीन्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अबव, अबव मीन्स पॉजिटिव प्लस वन, दिस इज द पॉजिटिव, सो दिस इज द पॉजिटिव एच, ओके, एंड द ए डैश बी डैश, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड दिस इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस विल बी माइनस एच डैश, एंड आउट, एंड ए पी, ए पी इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, सो दिस इज यू, ओके, एंड दिस वैल्यू, दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज फ्रॉम द मिरर, दिस इज बी, बोलो कर सकते हैं क्या, भाई बात आ रही समझ में, ठीक है, रिलेशन निकालने वाले अपन, देखो कैसे, ए पी, ए पी इज दिस, ए पी, दिस इज द ए पी एंड दिस इज इक्वल टू यू, एंड वी नोट दैट दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस विल बी टेकन हॉरिजॉन्टली, डिस्टेंस को कैसे दोगे आप हॉरिजॉन्टली, अब बताओ दिस इज द पोल एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, दिस इज नेगेटिव, तो यू क्या होगा आपका माइनस यू, ओके, एंड दिस इज द एडेस पी, एडेस पी इज द वी एंड दिस विल बी माइनस, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या, अब इस माइनस के, इस माइनस को अपन हटा सकते हैं, तो अपने वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी एच अपॉन माइनस एच डैश इज इक्वल टू यू अपॉन वी, लेकिन अपन ये जानते हैं मैग्निफिकेशन तो अपन ने क्या लिया था, दिस इज द एच डैश अपॉन एच, ये तो लिया था, अरे भाई ये तो लिया था एच डैश, दिस इज द एच डैश, दिस इज द एच, ठीक है, पॉजिटिव यहां से दोनों पॉजिटिव लिया था अपन, ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं भाई माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड विल बी मल्टीप्लाइड बाय द माइनस, सो दिस विल बिकम एच अपॉन एच डैश, पॉजिटिव बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते देन दिस विल बिकम यू अपॉन वी, ओके, एंड अब देखो ध्यान से एच डैश ऊपर चाहिए तो इसको क्या कर दो आप रेसिप्रोकल, सो वी कैन से दैट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन वी, ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन, ओके, एंड वी कैन से दैट द मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, दिस इज द रिलेशन, बात आई क्या बताओ यहां तक समझ में, ठीक है, तो ये तो अपने पास प्रूव हो चुका है, बोलो कर सकते हैं, ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कब अपने पास एम पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ठीक है, तो लेट्स सी, इरेज करते हैं इसको, अब देखो ध्यान से भाई, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड यूज करना पड़ेगा, केवल मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, कल आपको यहाँ पे माइंड भी अपना भी यूज करना पड़ेगा, ओके, वी नो दैट दिस इज द माइनस बी अपॉन यू, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट अपन को समझ लें, अगर अपन इमेज फॉर्मेशन ऑब्वियसली अपन ने स्टडी कर ली, अगर आपने ये प्रॉपरली कर लिया, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं की अभी तक देन आपको प्रॉब्लम ऑब्वियसली आएगी, ओके स्टूडेंट्स, सो देखो ध्यान से, अपन ने कहा एम इज द एच डैश अपॉन एच, ओके,
तो अपन ने कहा कि यहाँ पे एसिडेज क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि अपन इमेज फॉर्मेशन किया था, इमेज फॉर्मेशन में अपन ने कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की पहले, ठीक है, सिक्स पोजिशन अपन ने देखी थी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 देखी थी, सिक्स स्टेज, जिसमें से 1, 2, 5 अपने पास कैसी इमेज बन रही थी बताओ, रियल बन रही थी क्या बताओ, एंड जो सिक्स कंडीशन थी उसमें कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल। पता है सभी को, अगर नहीं पता तो पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर देखें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये रियल है और ये है वर्चुअल। अब एक बात बताओ, जब अपने पास रियल इमेज होती है तो कैसा बनता है, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है बताओ, इरेक्ट इमेज। मीन्स द रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होती है भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनेगी, यूं बनेगी। पर इमेज उल्टी का मतलब क्या है, नीचे की तरफ है, सीधी सी बात है भाई। जब भी आपने देखा हो जिस फाइव कंडीशन में इमेज कहाँ बन रही, नीचे की तरफ बन रही है ना, फाइव कंडीशन देखी थी अपन ने, उसमें इमेज कहाँ बनी, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऊपर, और इमेज कहाँ थी, नीचे। तो यही कॉन्सेप्ट अपन को लेना है कि भाई ऑब्जेक्ट तो क्या है, ऊपर, सो दिस विल बी पॉजिटिव, ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। भाई मेन फॉर्मूला तो अपन ने देख लिया, अब अपन को साइन यूज करने पड़ेंगे जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे। भाई एच तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, बट एच डैश क्या हुआ, चेंज हुआ। भाई देखो ये फाइव पर जो कंडीशंस हैं, इनमें अपने पास जो एच डैश होगा वो क्या होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस विल बी नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस एच डैश। बोलो बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, दिस इज नेगेटिव, किसके लिए, फॉर द रियल इमेज। रियल इमेज अगर अपन को चाहिए, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, देन वी विल, देन द मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। बोलो बात समझ आ रही है। चलो इसी चीज को अपन इससे भी समझते हैं, माइनस वी अपॉन यू। भाई पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, माइंड में आना चाहिए। देखो अपने कहा एम क्या है, माइनस वी अपॉन यू। आपको ये चीज पता है, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं यू हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। भाई डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इट विल बी ऑलवेज माइनस, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव। चलिए तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस यू। अब बताओ वी, वी चेंज हो सकती है। अगर मैं बात करूँ वी की, तो वी अपने पास इन फाइव कंडीशंस में क्या था, फाइव कंडीशन किधर बना था, अपने पास इमेज कहाँ बनी थी, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बी नेगेटिव। ये भी क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव तो अपने पास आएगा ही आएगा, देखो क्या होगा, इसको सोल्व करके कट, एंड द एम विल बी नेगेटिव। बताओ क्या आएगा, नेगेटिव कब आएगा, 1 to 5 कंडीशन, 1 to 5 कंडीशन में अपने पास इमेज कैसी होती है बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज बैठी दिमाग में, मतलब दोनों ही कंडीशन अगर अपन सोल्व करें, देन एम इज ऑलवेज नेगेटिव। मीन्स अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो एम क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव। अब बात करते हैं पॉजिटिव की, एम पॉजिटिव कब होगा देखते हैं, इसको इरेज कर दूं, अरे भी इसको इरेज कर दूं क्या, सॉरी, दिस इज द एम एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ ऊपर से। चलिए अब अपन बात करते हैं एम नेगेटिव क्यों होगा। अपन ने कहा कि एच तो हमेशा क्या होगा, पहले इससे शो करते हैं, एच हमेशा क्या होगा बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि एच हमेशा क्या होता है, अबोव द लाइन, सो दिस विल बी पॉजिटिव। बट एच अपने पास अगर मैं सिक्स कंडीशन की बात करूं, ऑब्जेक्ट कहाँ बना था आपको पता है, बिहाइंड द मिरर बना था, ऊपर की तरफ बना था कि नहीं बना था, अरे याद है क्या, ठीक है, इमेज को अपन पीछे लेके गए थे वर्चुअली। अगर इमेज यहाँ बनी है तो दिस विल बी अबोव द लाइन, और अगर अबोव द लाइन है देन दिस एच डैश विल बी पॉजिटिव। क्या दोनों पॉजिटिव 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 नहीं होंगे, क्या एम पॉजिटिव नहीं होगा, और अगर ये कंडीशन आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, इमेज कहाँ बनी, राइट हैंड साइड में, कैसी बनी थी, वर्चुअल, मतलब इससे कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इन दिस कंडीशन विल गेट द वर्चुअल
एंड इरेक्टिवनेस, बोलो सही है क्या बात, बैठा है दिमाग में? ओके, दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड कर्व व्हेन द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, व्हेन द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन वी विल गेट द वर्चुअल एंड इरेक्टिवनेस। यहां तक समझ में आ गया क्या आपको, ये बताओ आ गया सभी को? अगर आ गया तो फटाफट लाइक बटन दबा दो जल्दी। अब अपन बात करते हैं कुछ और केस की, बात करने वाले हैं इसी के अंदर अपने पास कुछ और भी केस बनने वाले हैं। देखो कैसे, अपन ने क्या क्या देखा, इफ एम इज पॉजिटिव, दिख रहा है आपको सभी को? नहीं दिखा? भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 था ना, ये थोड़ा सा कट गया, 1 2 3 ये कंडीशन थी ना अपने पास, इमेज पोजीशन 1 2 3 4 5, ठीक है इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 में अपने पास कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इन 5 कंडीशन में कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है इसके आगे और कुछ नहीं था इसके ऊपर। अब अपन बात करते हैं, बिकॉज वी नो दैट एम इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, बोलो सही है बात, कॉन्वेक्स मिरर अपन जानते हैं इमेज सारी कैसे बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और इसमें इमेज कैसे बनेगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ध्यान रखना भी। ओके नाउ नेक्स्ट केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एफ इज नेगेटिव। ओके अब इसके 3 केस क्या क्या बनते हैं देखते हैं। अब ये किसके लिए यूज होगा, कॉनकेव मिरर। ओके अब इसमें अपन ये नहीं कहेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड, के हमेशा रियल और इन्वर्टेड थोड़ी बनती है, इसमें रियल इन्वर्टेड भी बनी थी, वर्चुअल इरेक्ट भी बनी थी, तो उसी के अपन केस लेने वाले हैं। ओके तो वी कैन से इफ एच डैश इज ग्रेटर देन एच, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो एच है वो क्या है, ग्रेटर है, बड़ा। और लार्ज इमेज कब बनी थी आपको ये पता होना चाहिए, जब अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखा था कैसे बनी थी, पॉइंट शेप, अब पास में आ गए थे अपन तो इमेज क्या हो रही थी, लार्ज, ठीक है, सी के ऊपर आओगे तो इमेज कैसी बनी थी, इक्वल। ओके सी के जस्ट अबोव, सी के अपन अगर आगे जाएं देन द इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्या ये चीज आपको पता है, अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ऑब्जेक्ट को रखे थे देन इमेज कैसी बनी थी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और उसके आगे और गए थे तो एन लार्ज और बड़ी, एन लार्ज बन रही थी कि नहीं बनी थी। सो इफ एच डैस इज ग्रेटर देन एच देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, बोलो सही है बात, इन्वर्टेड भी बनेगी, या फिर दूसरा केस अपने पास क्या आएगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाला केस भी आ सकता है इसमें। भाई आगे आगे अगर आप बिटवीन एफ एंड पी रखते हो, पोल एंड एफ, तो भी एनलार्ज इमेज बनी थी कि नहीं बनी थी, अरे बनी थी क्या, ठीक है, तो उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एच डैश इज इक्वल टू एच देन द इमेज विल बी ओनली रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड दूसरी बात भाई, ऑब्जेक्ट अपने पास इमेज जो है, ऑब्जेक्ट इक्वल कब बना था, जब अपना सी के ऊपर था, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट था तभी तो बना था, सी की इमेज कहाँ बनी थी, सी के ऊपर, अगर यहाँ रखते तो सी की इमेज कहाँ बनेगी, सी के ऊपर। ओके सो वी कैन से दैट इमेज इज इक्वल टू, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके इसमें अपन क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज कैसे आएगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बोलो समझ में आ रही है बात, इन दोनों ही केस में कैसी बन रही थी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके इस केस में कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी,
ओके बिकॉज दिस इज द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सी एंड उसकी इमेज भी कहां बनी थी सी के ऊपर, देखो बना के दिखाऊंगे आपको फटाफट, देखो ध्यान से, दिस इज द मिरर ओके एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ करेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द पैरेलल लाइन, इट विल पास थ्रू द फोकस एंड देन इट विल बिकम, क्या ऐसी इमेज बनी थी क्या बताओ, इसमें क्या ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं था, इमेज इक्वल नहीं थी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट कैसे अपन बात करें, इफ एच डैश इज लेस देन एच, अगर अपने को ऑब्जेक्ट लेस है कब था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर द सी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो बिफोर द सी, इससे पहले तो इन्फिनिटी कैसे बनी थी पॉइंट शेप, ठीक है, उसके बीच में लेके आए थे अपन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज कैसे बनी थी बताओ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके सो वी कैन से रियल तो हो गई होगा, इन्वर्टेड भी हो गई होगा, बट द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोलो कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं पक्का, ठीक है। तो ये आपका था पूरा कंप्लीट मैग्निफिकेशन, इसका रिलेशन भाई अपन वी से भी निकाल सकते हैं, यू और वी से, अब बताओ इस केस में क्या होगा भाई, अगर अपने पास एच डैश इज ग्रेटर, एच अपने पास क्या है ग्रेटर है, एच ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ है बिफोर द सी, इसके आगे सॉरी आफ्टर द सी, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी थी पीछे भाई, अगर अपन सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लैश्ड बिटवीन द सी एंड एफ देन वी नो दैट दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। देखो अब बताओ V, दिस इज द V, तो V क्या है ग्रेटर है एंड दिस इज द U, बताओ ये क्या है ऑब्जेक्टिव तो है, सो दिस इज द U, U इज स्मॉलर देन V, अरे बात समझ आ रही है, तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, V इज ग्रेटर देन U, ओके इस केस में क्या बोलोगे, V इज इक्वल्स टू U एंड फॉर दिस केस V इज स्मॉल ओके देन U, ये केस आपको ध्यान में रखने हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसको आप बार बार रिपीट करें, उसको अच्छे से माइंड में प्रॉपरली इसको आप समझें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएगा तो ही अपन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द न्यूमेरिकल्स, ओके वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप प्रॉपरली करें, ओके Take care. Bye.